हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीशू का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है और वो नॉर्मल है। डॉक्टर ने कहा है शायद उसे थोड़ा ठंडा लग गया है और उसे थोड़ा थ्रोट कंजेशन और नेसल कंजेशन है, तो ड्रॉप्स दिया गया है नोज़ में डालने के लिए। और आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप टेंशन मत लो, आप भी आप टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगी। और आप लोगों की दुआओं ने असर किया, वो सच में बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है अभी। बस थोड़ा ठंड से उसे बचाना है, डॉक्टर ने बोला है। बाकी फीवर माइल्ड है तो वो चला जाएगा अपने आप, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला आप कभी भी कॉल कर सकते हो अगर फीवर 38 के ऊपर आ जाता है। 30 लाइक अभी उसका 37.5, 37.6 ऐसा आ रहा है, तो 38 तक अगर आता है तो डॉक्टर ने बोला है कॉल करो या फिर आके विजिट करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे माशाल्लाह एक्टिव है वो और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है बिल्कुल। और कल मैं शॉपिंग करने गई थी, ग्रोसरी शॉपिंग, वो मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो आते आते रात हो गया था, तो मैं बहुत टायर्ड हो गई थी फिर, क्योंकि मैं उस दिन हॉस्पिटल भी गई थी मीशो को लेकर, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई मैं क्या लेकर आई हूँ। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊँगी कि दुबई में मंथली एक्सपेंसेस क्या होता है, ग्रोसरी का कितना खर्च आता है महीने का राशन का, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये सारा सामान हम लेकर आए हैं, पूरा टेबल भर गया है, ये देखिए। तो ये है महीने भर का राशन, और जबकि ये पूरा राशन नहीं है, हमने हार्पिक वगैरह ये सब नहीं लिया है क्योंकि पहले से था साबुन शैम्पू ये सब पहले का स्टॉक था हमारे पास, तो ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिया वो सब। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। स्नैक्स वगैरह अलीना के लिए हमने लिया है मैगी के ऊपर एक दब गया है, और ये केक हम कल लाए थे तो हमने कल ही ये खा लिया आधा, बहुत ही अच्छा केक था, फ्रूट केक। तो ये ज़ीबा का हमने राइस लिया, ये बहुत अच्छा ऑफर में था, तो ये ओनली 19 dirhams का है ये राइस, तो हमने दो ले लिया। तो ये ऑयल नूर का सनफ्लावर ऑयल हम खाते हैं नॉर्मल कुकिंग में, और मैं ऑलिव ऑयल भी यूज़ करती हूँ स्पेशली जब अलीना के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ, तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी है, पहले का भी था ऑलिव ऑयल बट ये ऑफर प्राइस में मिला मुझे स्पेशल ऑफर में, तो मैं लेकर आ गई। और ये अच्छा ग्लास बॉटल में है, लास्ट टाइम मुझे ग्लास बॉटल वाला नहीं मिला था, प्लास्टिक बॉटल में था, तो मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से। अच्छा ऑलिव्स है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ऑलिव्स, तो इसका भी ऐसे ही वैल्यू पैक था, स्पेशल ऑफर था, तो ये हमने ले लिया। और यहाँ पे ग्लास क्लीनर ख़त्म हो गया था, तो ग्लास क्लीनर ये देखिए ये भी स्पेशल ऑफर में, और ये चीज़ हम पीते हैं। और यहाँ पे आज बर्गर बनाने का सोच रही हूँ, अलीना को बर्गर खाने का मन है, तो हम पैटी बर्गर के लिए पैटी भी लेकर आए हैं, तो आज हम बनाएंगे, तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। और ये कुछ स्नैक्स मेरे हस्बैंड का, और सोयाबीन है यहाँ पे, और यहाँ पे है ये वर्मीसिली, स्वीट्स वगैरह बनता है और इसका नाश्ता ही बनता है, मैं कभी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इसका। और यहाँ पे है कोरिएंडर सीड्स और रवा, और ये शान का सॉल्ट, मेरे पास ऑलरेडी एक है थोड़ा ख़त्म कम हो गया है तो मैं एक लेकर आ गई, और कॉफ़ी ब्रू का कॉर्नफ्लावर है, और ये है बेसन, अभी रमज़ान का टाइम है तो ये सब बहुत काम आने वाला है अभी, तो मैं पहले से लेकर आ गई। और ये काला चना, सादा चना हमारे पास है इसलिए हमने सादा चना नहीं लिया। ये कुछ स्नैक्स वगैरह है, और पास्ता, ये अलीना को ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, ये पास्ते का बो डिज़ाइन, तो ये लेकर आई हूँ। और साथ में ये पहली पास्ता दाल है, और यहाँ पे राय, मस्टर्ड सीड, शक्कर, और यहाँ पे ये सब कैशू नट, और ये आमंड, और यहाँ पे पफ्स वगैरह है, ये केक अलीना का। और ये है तूना, ये हम अक्सर खाते हैं, अच्छा लगता है हमें, तो ये 3 के पैक में था और फ्रिज में भी और पड़ा है। और ये इवापोरेटेड मिल्क स्वीट वगैरह बनाने के लिए, तो छोटे छोटे कैंस में है, एक बार में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं हमेशा बड़ा वाला कैन लेकर आती थी बट वो खुलने के बाद जम जाता है, तो छोटा कैन अच्छा है, एक बार में आप यूज़ करके ख़त्म कर सकते हो। तो ये कैंस है सेट में पूरा था। टोमेटो पेस्ट है, पास्ता वगैरह बनाती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ इसे बहुत ज़्यादा, तो वो ख़त्म हो गया था तो ये मैं लेकर आई हूँ। और ये डिटॉल ख़त्म हो गया था तो डिटॉल है, और टाइड, और कपड़े धोने का साबुन भी, और नहीं लेकर आए परसों लेकर आते हैं, तो वो ऑलरेडी है हमारे पास, अभी चलेगा आराम से। और ये है एग्स, दो यूज़ भी हो गया है सुबह नाश्ते में, अभी मैं दोपहर में ये शूट कर रही हूँ वीडियो। तो ये था ग्रोसरी शॉपिंग, और मैं बता दूँ कितना खर्च आया महीने का, तो टोटल महीने का राशन का खर्चा होता है
यहाँ पे दिखेगा आपको 641 धीरम्स, जो इंडिया का हो जाता है 12,500 रुपये के ऊपर ही हो जाता है। और वेजिटेबल्स का मैंने बिल अलग से बनाया था, क्योंकि मैं कभी भी वेजिटेबल्स का हिसाब नहीं लगा पाती थी कितना होता है, तो इस बार मैंने वेजिटेबल्स सारा अलग से लेकर, ये सारे वेजिटेबल्स देखिए इसमें, तो सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का हो गया यहाँ पे 87, जो 17-18 सौ रुपये होंगे इंडिया का। और मैंने नॉन वेज ज़्यादा कुछ नहीं लिया, एक कीमा लिया है थोड़ा सा, और लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप लेकर आई थी। अगर नॉन वेज लेने गई तो और भी ज़्यादा हो जाता है। और बहुत सारा सामान घर पे था, लाइक शैम्पू, साबुन, ये सब जैसे मैंने बताया आपको। सारी चीज़ें पूरा महीना भर नहीं चलता, लाइक चावल, आटा, तेल, ये सब तो महीना भर चल जाएगा, दाल ये सब। बट कुछ कुछ सामान है जो हमें रिफिल करना पड़ता है, लाइक सब्जी वगैरह ख़त्म हो जाएगा 10 डेज तक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और 10 डेज के ऊपर लास्ट नहीं करता, ख़राब हो जाता है, तो मैं 10 डेज का ही लेकर आती हूँ। दूध, दही, ब्रेड, ये सब तो ऐसा रेगुलर बेसिस पे आता रहता है, क्योंकि एक्सपायरी डेट कम होता है इन सब चीज़ों का, तो ये सब चीज़ है। और कच्चा सामान लाइक मीट वगैरह, नॉन वेज, फिश, ये सब, तो ये सब भी मंगाते रहना पड़ता है, तो वो सब मैं ज़्यादा लेकर नहीं आई। अगर ये सब भी मैंने ऐड कर दूँ तो फिर डबल हो जाता है एक्सपेंसेस। अभी थोड़ी देर में मैं बनाऊंगी बर्गर, तो उसका मैं दिखाऊंगी आपको। ये रेडीमेड बर्गर है, मैं बंस लेकर आई हूँ और पैटी भी लेकर आई हूँ, तो बस जस्ट उसे लगा कर बना देना है, ग्रिल करना है थोड़ा पैटी को, उसके बाद बन जाएगा। अलीना का बहुत मन है बर्गर खाने का, तो आज मैं बना देती हूँ, वरना वो जो ब्रेड है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे बनाती हूँ बर्गर। ये रेडीमेड बर्गर है, इसे जस्ट हमें डीप फ्राई करना है अच्छे से। मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है और मैं इसे फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। तो ये अमेरिकाना का है, ये 4 पीस था इसमें बर्गर का पैटी, और हम 4 लोग ही है तो परफेक्ट पैक था हमारे लिए ये। और यहाँ पे मैंने सैलड, जो सैलड लीव्स होता है या लेटेस्ट जो भी कह ले, वो साफ़ कर लिया है, पत्ता साफ़ करके मैंने थोड़ा पैड ड्राई कर लिया है टिश्यू से। और उसके बाद मैं यहाँ पे टोमेटो सॉस लगा रही हूँ बंस में, और अलीना को सैलेड लीव्स और टोमेटो सॉस ये सब कुछ भी नहीं पसंद, तो वो सिर्फ़ चीज़ और पैटी खाती है बर्गर में, तो ये उसका बर्गर मैंने बना दिया है। और यहाँ पे मैंने सैलेड लीव्स लगाया है, उसके ऊपर पैटी रख दिया है, चिकन का पैटी, और उसके ऊपर चीज़ का स्लाइस, और दूसरे साइड में जो ब्रेड है दूसरे साइड वाला, उसमें मैं मेयोनेज़ लगा रही हूँ। आपके पास क्रीम चीज़ है तो आप वो भी लगा सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैं ये वाला लगा रही हूँ। देखिए मेरे हस्बैंड ने यहाँ ये लाइट निकाल दिया है, इस पर बहुत सारा डस्ट पड़ गया है बोल रहे हैं, तो हम क्लीन कर रहे थे आज बेडरूम, देखिए डस्ट कितना है इसमें, और ये कैसे क्लीन होगा मुझे पता नहीं, ये डस्ट क्लीन नहीं होगा, इसको फेंकना है। फेंकना है। और ये लाइट भी प्रॉब्लम है थोड़ा, मतलब ये हर तरह का लाइट्स लगा नहीं सकते अंदर में, है ना, ब्राइट लाइट लगा नहीं सकते, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर एक बल्ब लगा देंगे बड़ा सा ब्राइट वाला, क्योंकि इसमें जो बल्ब है ना, जो इसके साथ आया था, वो उसमें इतना ब्राइटनेस नहीं है, बहुत डल हो जाता है। शाम को ऑन करती हूँ लाइट तो बहुत डल दिखता है बेडरूम, बट ये लाइट मुझे बहुत अच्छा लगता है। का क्या बोलो, अरे इतना अच्छा लाइट क्यों फेंक देंगे हम लोग, अच्छा है ये। करना क्या है तुमको, कुछ भी काम का नहीं है, रख देंगे बाद में यूज कर सकते हैं। अरे नहीं यार, नहीं होगा, ये जब निकल रहा है देखो उसका, आप फेंक रहे हो निकाल के, तो ये किस तरह से निकाल के तोड़ दे रहे हैं मेरे लाइट्स को, उनको ये पसंद नहीं है लाइट्स, निकाल निकाल के तो फेंक दे रहे हैं। थोड़ा बेंड हो गया है, इसका कुछ काम नहीं है। कहाँ बेंड हुआ बताओ, आप बेंड कर रहे हो उसको निकाल के, शिट अच्छा नहीं है सर। हाँ मेरे लाइट तोड़ दिए, क्यों तोड़ दिए जाओ, देखिए कैसे लाइट तोड़ दिया है। अरे नहीं यार, कुछ काम का क्या है तुम्हारे, प्लास्टिक है क्या? हाँ सब कैसे तोड़ दी यार मेरे लाइट, तो लाइट है ना, अब क्या कर सकते हो, क्या करना है मतलब, पूरा तोड़ के ही बोलते हो क्या कर सकते? हाँ वो चाहिए था आपको, वो रख के क्या करना है अभी, पर लाइट टूट गया तो ये चाहिए था मुझे।
ब्राइट नहीं है इतना लाइट। बाबू तुम भी आओ। क्यों क्या हुआ बताओ। लाइट लगा है, नया लाइट लगा है। अच्छा पापा बहुत एक्साइटेड लग रहा है। क्या लाइट लगा है? वो पहले वाला रोशनी नहीं था ना, अभी देखो इसमें देखो। ओ वाओ घर कितना ब्राइट हो गया है ना। बट वो लाइट मेरा बहुत सुंदर था। कैसा लग रहा है? सुनो ये अच्छा लग रहा है, ये लाइट अच्छा लग रहा है। पहले वाला लाइट अच्छा लग रहा है। नहीं लाइट वो अच्छा था डिजाइन, बट ये ब्राइट अच्छा है, ब्राइटनेस ज्यादा है इसमें। और ऐसा लाइट है बाबू। अनीता एक वन है, मम्मा है। मम्मा इधर से आ गई, मम्मा को देखती है। देखो मम्मा से ज्यादा प्यार करती है। देखा न्यू लाइट, न्यू लाइट बाबू हमारा न्यू लाइट। पापा मम्मा का लाइट तोड़ दिया। मिशु मम्मा का अच्छा वाला लाइट तोड़ दिया। कितना देखा ब्राइट हो गया ना, बहुत ब्राइट हो गया ना अभी। अब देखा कर लाइट देखो, लाइट देखो ना, अच्छा लाइट था ना। पापा तोड़ दिए मिशु। चेंज करने में, उसे फीडिंग करने में, स्पेशली सुलाने में तो बहुत टाइम लग जाता है। उसे आजकल बहुत ज्यादा परेशान करने लगी है। और देखिए अभी इसकी बदमाशी, दूध पीने के बाद मुझे लगा ये सो जाएगी, बट देखिए इसे। परफेक्ट परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक सर्दी है आपको मम्मा? अभी तक सर्दी है आपको? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मम्मा, बढ़ जाएगा मम्मा। मिशु कौन सा कैप पहनेगी? चलो वाइट कैप विथ मैचिंग मिटन्स। गुड आ गया ये। मिशु कैप पहन ली। मिशु कैसी दिखती है कैप पहन के? देखो जरा देखो। सो कैप पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो अच्छा नहीं लग रहा है इसे। देखो देखो ओए ठंडा लगा हुआ है ना, बदमाशी हो रहा है तुम्हारा। क्यों हो गया इसका? इसे कैप नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा खोल देंगे, अच्छा खोल देंगे, अच्छा खोल देंगे, खोल देंगे, अच्छा खोल देंगे, खोल देंगे, खोल दिए, 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 देखो खोल दिए, खोल दिए। ओके ओके ठीक है अभी, ठीक है अभी खोल दिए। अच्छा लग रहा है अभी? इसे कैप बिल्कुल भी नहीं पसंद। सर में कुछ भी रहेगा ना इसे अच्छा नहीं लगता, परेशान हो जाती है। हेयर बैंड लगाएंगे तो भी परेशान हो जाएगी, कैप लगाएंगे तो भी परेशान हो जाएगी। देखा आपने कैसे उतरवा दिया इसने अभी कैप? सर्दी लगा हुआ है ना, बट रात में जब सो जाती है ना तब मैं लगा देती हूँ इसे। क्या हुआ? कैप खुलवा दी। ओ क्या हो रहा है? मिटन्स तो पहनोगी ना? मिटन्स पहन लो एटलीस्ट, हाथ सब ठंडा हो जा रहा है। मिटन्स पहन लो बाबा। गलम गलम हाय बोलो सबको। ओके आम 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 को आप हाई समझ लो इसका। टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, इधर इधर टमाटर मजेदार। आप खाए कभी टमाटर? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है टमाटर का टेस्ट कैसे होता है मिशु। वो पता कैसे देख रही है अपने आप को? कौन है ये बच्चा, ये छोटा सा बच्चा कौन है? ये मेरी बीजू है, ये मेरी बीजू है, ये मेरी छोटू है, ये मेरी क्यूटू है ना? मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। अभी नया आदत सीखी है, ऐसा मुट्ठी बनाती है और ऐसा चूसती है, थम नहीं पूरा मुट्ठी एक मुंह के अंदर जाता है उसके, और उसके साथ साथ हवा भी पूरा पेट के अंदर, और गैस होता है फिर बाद में इसको, फिर पेट में दर्द होता है, और फिर रोटी है पै 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 करके। तो अब फाइनली मिशु सो गई है और अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।